लगातार बारिश अंचल में किसानों की उम्मीद पर पानी फेर रही है। जल जमाव एवं जल भराव के कारण खेतों में पक कर तैयार हो चुकी फसल सड़ने लगी है। मेहनत की उपज को खेतों से समेटने की लागत भी बढ़ गई है। आसमान से आफत बरस रही है तो मजदूर वर्ग की मनुहार आमदनी भी बढ़ गई है और अंचल के खेतों में खरीफ की फसल पक कर तैयार है। जून जुलाई से अगस्त तक अंचल में बारिश की खींच रही, लेकिन सितंबर के दूसरे पखवाड़े से लगातार बारिश हो रही है जिससे खेतों में पानी भरा है। किसानों ने बताया कि फसल पकने के बाद किसान को अच्छे लाभ की उम्मीद थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर रही है। करीब 7000 हेक्टेयर क्षेत्र की फसल लगातार बारिश के पानी में डूबी रहने के कारण सड़ चुकी है। किसानों ने कुछ फसलें पकने के कारण खेतों में कटवा रखी हैं, लेकिन बारिश के कारण खेतों से फसल की कोरियां समेट नहीं पा रहे हैं। कोरियां अथवा खलिहान में समेट कर रखी हुई हैं। यह फसलें भी बारिश के कारण खराब हो रही हैं। किसान नेता ने बताया कि एक माह पहले तक दिहाड़ी पर मजदूर पर प्रति व्यक्ति 200 रुपए थी, जो सोयाबीन कटाई की शुरुआत में 300 रुपए करना पड़ी। लगातार बारिश के कारण अब प्रति व्यक्ति मजदूर दर 400 रुपए हो चुकी है। वहीं थ्रेसिंग खर्च भी 1400 रुपए प्रति घंटा लग रहा है। इसी कारण खेती का लागत खर्च भी बढ़ गया है। सोयाबीन फसल पर प्रति हेक्टर खर्च पिछले वर्ष 15500 रुपए आ रहा था, लेकिन इस बार यह खर्च 18500 रुपए तक आ रहा है। रतलाम झाबुआ क्षेत्र से बड़ी संख्या में मजदूरी की तलाश में लोग आ चुके हैं। बाजना क्षेत्र से आए एक मजदूर ने बताया कि एक माह मजदूरी का सीजन चलेगा, हम हार तोड़ मेहनत करेंगे। अभी दिहाड़ी पर 400 रुपए रोज मिल रहा है। हम लोग ठेका पद्धति से भी काम करते हैं। 1500 रुपए प्रति बीघा यानी 7500 रुपए प्रति हेक्टर पर सोयाबीन कटाई की जा रही है। जिले में बारिश का दौर अभी भी जारी है, इससे जिले के 32 जलाशय लबालब हो चुके हैं। जिले में अब तक 1055 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जिले में सिंचाई विभाग के 34 बांध और तालाब हैं। इन बांधों और तालाबों से कई कस्बों और गांवों में जलापूर्ति होती है, साथ ही किसानों की फसलों की सिंचाई में भी इन्हीं से मदद मिलती है।